इस समारोह में उपस्थित अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ जी, वैज्ञानिकगण, अन्य गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, वो ऐतिहासिक क्षण जब विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा था, हर भारतीय के लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण था। मैंने टच डाउन का लाइव प्रसारण देखा था। हर भारतीय की तरह मैं भी गर्व से भर गई थी। इस सफलता के उपलक्ष्य में नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा करना एक सराहनीय कदम है। मैं समस्त देशवासियों और आप सभी को प्रथम नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूं। अपने प्रारंभिक दिनों के अब तक इसरो की यात्रा शानदार रही है। इसरो ने स्पेस सेक्टर में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। जैसा कि यहां उपस्थित वैज्ञानिक समुदाय के लोग जानते ही है कि एक दो दिन पहले ही चंद्रयान की प्रज्ञान सेवर से प्राप्त जानकारी से ये धारणा मजबूत हुई है कि आरंभ में चंद्रमा पूरी तरह मैग्मा का महासागर था। वो धीरे धीरे शीतल होते हुए वर्तमान स्वरूप की तरफ बढ़ा। इसे वैज्ञानिक भाषा में लूनार मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस कहते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भविष्य में इसरो द्वारा चंद्रमा के अध्ययन के लिए अन्य मिशन की भी योजना है। मैं संपूर्ण इसरो परिवार तथा विशेषकर चंद्रमा मिशन के से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। आज के कार्यक्रम में विद्यार्थियों की भागीदारी देखकर मुझे खुशी हो रही है। इसरो द्वारा आयोजित भारतीय अंतरिक्ष हैकथॉन और रोबोटिक्स चैलेंज की विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। मैं आशा करती हूं कि इसरो द्वारा चलाए जा रहे स्पेस ऑन व्हील्स और स्पेस ट्यूटर्स जैसे कार्यक्रम जनमानस सामान्य एवं विद्यार्थियों में स्पेस के बारे में उत्कृष्टता और जानकारी बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध रहेंगे। देवियों और स्वजनों, स्पेस सेक्टर के साथ साथ इसरो ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे ही देश के विकास यात्रा में योगदान देते रहेंगे। इस महीने में भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती भी मनाई जाती है। ये न केवल महान वैज्ञानिक थे बल्कि एक दूरदर्शी इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स भी थे। उन्होंने स्पेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, दोज दैट कैन अप्लाई देयर इनसाइट्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी एंड ऑफ द नेशन डिस्कवर एन एक्साइटिंग एरिया ऑफ एक्टिविटी वेयर एफर्ट्स इज रिवार्डिंग इवन व्हाइल द रिजल्ट्स सो स्लोली अनकट। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका ये कथन अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि भारत के स्पेस प्रोग्राम का उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। आज के इस आयोजन के विषय टचिंग लाइफ्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा भी इसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। देवियों और स्वजनों, स्पेस एक्सप्लोरेशन ने मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ाया है, मानव की कल्पना को यथार्थ में बदला है, ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन रोमांचकारी होने के साथ साथ एक चुनौती भरा कार्य भी है। इसमें अनेक समस्याएं आती हैं।
इन समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने वाले अनुसंधान विज्ञान के विकास को गति देती है और मानव जीवन को बेहतर बनाती है। स्वास्थ्य और चिकित्सा, परिवहन, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण और सूचना प्रौद्योगिकी समेत ऐसे कई क्षेत्र है जो स्पेस सेक्टर में हुए विकास से लाभान्वित हुए हैं। उदाहरण के लिए आरंभिक चरण की सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षाओं का अध्ययन करने के लिए निर्मित किया गया था। उन सैटेलाइट से प्राप्त ज्ञान के बल पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का विकास हो सका। आज इसके बिना मानव जीवन की कल्पना संभव नहीं है। देवी और स्वजनों, भारत के स्पेस सेक्टर की प्रगति असाधारण है। चाहे वो कम संसाधनों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया मंगल मिशन हो या एक बार में 100 से अधिक सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण हो, हमने अनेक प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। निजी क्षेत्रों के लिए स्पेस सेक्टर के खुलने से स्टार्टअप्स की संख्या में बहुत तेज गति भी वृद्धि हुई है। इससे न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान के उन्नति हुई है, बल्कि हमारी युवा शक्ति को अपने प्रतिभा दिखाने और उसे तराशने के नए अवसर भी मिले हैं। कुछ महीने पहले ही भारत की एक कंपनी ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किए हैं, जो कि इस तरह की पहली उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्वास एवं साझेदारी बढ़ाने के लिए भी स्पेस सेक्टर एक अच्छा माध्यम है। उदाहरण के लिए पड़ोसी राष्ट्रों में संचार को बढ़ावा देने के लिए भारत ने वर्ष 2017 में साउथ एशिया सैटेलाइट GS-89 का सफल प्रक्षेपण किया था। अन्य देशों के साथ जुड़ाव के नई क्षितिज खोलने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास अत्यंत सराहनीय है। इसरो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं गगनयान मिशन की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन सभी मिशन के फलस्वरूप ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिनसे देश सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से लाभान्वित होंगे। देवियों और स्वजनों, हमें भावी चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना है। स्पेस डेब्री अंतरिक्ष मिशन के लिए समस्या अत्यंत चिंताजनक है। अंतरिक्ष अनुसंधान की गतिविधियां निरंतर चलती रहे, इस उद्देश्य के साथ इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट फैसिलिटी का संचालन किया जा रहा है। ये एक सराहनीय कदम है। मुझे ये जानकर भी खुशी हो रही है कि भारत वर्ष 2030 तक अपने सभी अंतरिक्ष अभियानों को डेब्री फ्री बनाने के लिए लक्ष्य रखे हैं। हमारे निष्ठावान वैज्ञानिकों ने न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके भारत के स्पेस प्रोग्राम को विश्व के श्रेष्ठतम स्पेस प्रोग्राम्स में स्थान दिलाया है। इसके लिए वे सराहने के पात्र हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे देश में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रगति होती रहेगी तथा हम उत्कृष्टता के नए मानक स्थापन करते रहेंगे। मैं भविष्य के सभी स्पेस मिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।